तो बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी घर के चिराग के बारे में, लेकिन मैंने उसमें बताया नहीं था कि इसे हम कहां से देखें, और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई क्योंकि एक तरह की पायरेसी होती। मैंने बहुतों के कमेंट के रिप्लाई भी किए, लेकिन मैं सब तक तो नहीं जा सकता था ना। मैं जानता हूं कि ये बहुत लोगों का नॉस्टैल्जिया शो है, पर शायद फिर भी मैं इसका लिंक आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको फ्यूचर में इसका लिंक ना दे सकूं। अब आप कहोगे कि यार ऐसा कैसा लिंक है जो आज नहीं दिया जा सकता लेकिन कल दिया जा सकता है। उसके लिए हमें समझना होगा कि ऑडियो इनकोडिंग क्या होती है। अगर आपने पहले कोई कार्टून यूट्यूब पे हिंदी में देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ साइड में एक लोगो बना हुआ होता है, वो या तो एयरटेल का होता है या टाटा स्काई का होता है या फिर पूरे चैनल का लोगो भी हो सकता है। आजकल की वीडियोस में नहीं आता है, लेकिन पहले वाली वीडियोस में ये मैं बहुत ही प्रोमिनेंटली देखा करता था। जब मैं 2015-2014 में जब इंटरनेट चलाता था और डोरेमोन देखता था, तब ये बहुत ही कॉमन था यूट्यूब। एक्चुअली होता क्या था कि टाटा स्काई और एयरटेल जो है इंडिया के ऐसे सेट टॉप बॉक्स थे जिनके अंदर अपने फेवरेट शोज को रिकॉर्ड किया जा सकता। रिकॉर्ड करने के बाद में फिर ये फ्री डाउनलोड वेबसाइट वाले भैया आवाज को निकाल लेते थे और फिर उसी शो की एक सीडी खरीदते थे और उसमें जो वीडियो होता था उसको निकाल लेते थे और हमारी जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी ना उसकी निकाली हुई ऑडियो को उस नई वीडियो में डाल देते थे। तो उससे क्या होता था कि ये जो लोगो आता है ना वो लोगो गायब हो जाता था, क्योंकि हमने वीडियो तो सीडी वाली यूज की है और सीडी वाली के अंदर चैनल का लोगो आता नहीं था, तो उसकी वजह से जो है लोगो निकाल दिया जा सकता था। इसकी वजह से वीडियो अच्छी दिखती थी और क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती थी। ऐसे कोई डबिंग का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता है कि तुम एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालो और तुम्हारे लिए डब होकर आवाजें बाहर आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शोज एयरटेल और टाटा स्काई के सेटटॉप बॉक्स के आने के पहले ही आ चुके हैं उन्हें एयरटेल और टाटा स्काई के सेटटॉप बॉक्स के द्वारा रिकॉर्ड किया ही नहीं गया, और जब उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो एनकोडिंग की प्रोसेस तो बाद में आती है और ना ही अब उसके चाहने वाले उस शो को देख सकेंगे। बट मैंने कहा था कि शायद हम इस शो को फ्यूचर में देख सकेंगे। अब वो कैसे? दरअसल कुछ सालों पहले ये ड्रामा पाकिस्तान में एयर हुआ था उर्दू में, और उर्दू और हिंदी एक ही है, तुम्हें पता ही होगा, बस लिखने का फर्क होता है। पाकिस्तान में ये ड्रामा एयर हुआ था नागिन के नाम से, और अब ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास ये ड्रामा पड़ा है लेकिन वो इसे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब पे इस ड्रामा के ऊपर लेकर बहुत ही ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक की प्रॉब्लम आती है। मेरी पिछली वीडियो जो कि सिर्फ 3 मिनट की थी, मैंने उसके अंदर ज्यादा क्लिप्स भी यूज नहीं की थी, उस पर भी कॉपीराइट आ गया था। तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पर्सनल में जाके तुम उनसे रिक्वेस्ट करो तो शायद वो तुम्हें उसका लिंक दे। और इसका एक और रास्ता है जो कि पाकिस्तानी ड्रामा साइट्स हैं। एक्चुअली पायरेसी साइट्स पे क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट पेज होता है जहाँ पे तुम अपने फेवरेट ड्रामास की या फिर फेवरेट शोज की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और फिर वो जो रिक्वेस्ट होती है उस पेज के ओनर के पास चली जाती है और उनके पास बहुत बड़े कनेक्शंस होते हैं। उनके पास तुम चाहो जो ड्रामा उनके पास रिकॉर्ड करा हुआ मिल जाता है, बस उन्हें एनकोडिंग करने की देर होती है। तो हो सकता है कि वो तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ले और अपनी वेबसाइट पर उसे अपडेट कर दे, बट मैं कहता हूँ कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि ये जो तुम करने जा रहे हो ना इसे पायरेसी कहते हैं। किसी भी शो को रिकॉर्ड करना, दूसरों को दिखाना, इसे पायरेसी कहा जाता है। जिन आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स ने इस शो को बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत करी है उनको तो पैसे मिले ही नहीं ना यार। तुम तो किसी वेबसाइट पर गए और तुमने बस वहां से डाउनलोड करके देख लिया। तुम्हारे पैसे लगे हैं, जरूर लगे हैं, इंटरनेट के लगे हैं, लेकिन वो पैसे लगे हैं सैटेलाइट के किराए पे, तुम्हारे टावर्स के किराए पे, और जमीन में इतनी बड़ी जो तारे गड़ रखी है उनका किराया दिया है तुमने। तुमने अभी तक शो का किराया तो दिया ही नहीं है। उसकी वजह से कभी भी क्रिएटर्स को पैसे नहीं मिल पाते हैं अगर हम ऐसी इलीगल साइट्स पे से कभी डाउनलोड करते हैं तो। और मैंने भी वादा किया था कि शायद मैं फ्यूचर में दे सकूंगा, लेकिन सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये एक तरीके से इलीगल है और मैं अपने आप को ही फंसा लूंगा, फ्यूचर में जेल भी जा सकता हूँ। एंड आई थिंक अब समय आ चुका है कि अब यादें यादें ही रह जाएं। अभी विक्की रोकोटेन पे ये आता है लेकिन इंडिया के अंदर ये नहीं है। ऑफ कोर्स तुम कोई भी वीपीएन यूज करके तुम विक्की रोकोटेन पे शायद फ्री में इसे देख सकते हो, लेकिन इट इज नॉट वर्थ इट यार। आई थिंक इट्स टाइम टू फॉरगेट द शोज। तुम अब बहुत सारे नए कोरियन ड्रामास देख सकते हो जो कि वीकली अवेलेबल होते भी हैं, और तुम्हें नहीं पता है कि कौन से देखने हैं तो तुम सिंपली मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। मैंने बहुत सारे कोरियन ड्रामास के बारे में बात करी है एंड दे आर काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टू। मैं कभी कभार एनिमेस की वीडियोस भी डाल सकता हूँ, लेकिन तुम उन्हें स्ट्रेट अप इग्नोर कर देना, दे आर नॉट फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को अभी लाइक कर दो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर मैंने कोई अच्छी सी वीडियो डाली तो उसको भी लाइक कर देना। बाय।